एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत है। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा। फरीदाबाद का नगर निगम का मुख्य कार्यालय और मुख्य कार्यालय से जुड़ती हुई खबर आपके सामने लेकर आए हैं। और पूरा मामला क्या है हमारे साथ, पूरे मामले की जानकारी देने के लिए आरटीए एक्टिविस्ट और पेशे से पत्रकार केतन सूरी हमारे साथ हैं। हमारे साथ केतन सूरी। बता दें सर आपको, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस खबर को प्रमुखता से दिखाने की कोशिश करी। बता दें कि पिछले काफ़ी एक लंबे समय से नगर निगम को सूचित किया गया था कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध पानी और सीवर का कनेक्शन इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो जानकारी प्राप्त हुई आरटीआई के माध्यम से। पहली शिकायत आप देख सकते हैं 25/5/2023 को दी गई थी। सूरी साहब, मामला कहाँ का है? मामला है ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, पुराना वार्ड 26 लगता है जी ये। अच्छा। ओल्ड फरीदाबाद जोन के अंडर आता है, एमसी के अंडर आता है। और बता दें तब से तकरीबन नगर निगम के अधिकारियों ने इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि खाना पूर्ति करने के लिए, दिखाने के लिए कि कोई कार्रवाई कर रहे हैं, वो कार्रवाई की जा रही थी। कई नोटिस इशू कर दिए, पर नोटिसों पे खुद ही कार्रवाई, खुद के नोटिस इशू करे हुए के ऊपर भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। बता दें कनेक्शन नहीं काटा गया, ना कोई कार्रवाई की गई। उसके उपरांत मैंने सीएम विंडो लगाई, सीएम विंडो के बाद उस व्यक्ति का कनेक्शन काट दिया गया, परंतु उसके बाद भी उससे कोई पैसा वसूला नहीं गया, कोई फाइन नहीं वसूला गया, काटने के दौरान भी और काटने के बाद भी। सूरी साहब जी, अवैध कनेक्शन कैसे? जी अवैध कनेक्शन इस प्रकार होता है कि आपने नगर निगम में कोई फीस जमा कराई होनी चाहिए। अच्छा। मान्यता ली होनी चाहिए, तभी अच्छा। आपका कनेक्शन वैध कहलाता है। पानी और सीवरेज की जी, जो जी, लाइन जी, फाइल बनती जी, है। जी, जी, अच्छा, वो उस व्यक्ति द्वारा बनाई नहीं गई थी। कितने समय से अवैध कनेक्शन चला रहा है? सर ये 13 साल से चला रहा था इस कनेक्शन को। 13 साल। और फिलहाल आपको बता दें इसकी जानकारी आरटीआई से प्राप्त हुई, पर नगर निगम देखें, एक होता है कि आपको सूचना मिल गई आप तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें, पर नगर निगम के अधिकारियों ने सूचना मिलने के बाद भी इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि एक उच्च अधिकारी द्वारा नगर निगम के ओल्ड जोन के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा था निरंतर कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कार्रवाई तो आप दूर की बात छोड़िए, उसका कनेक्शन पास कराने में ही वो अधिकारी लग गया। और जब सीएम विंडो लगी, सीएम विंडो के बाद कनेक्शन कटा, कटने के बाद एक तो पहली गलती, फिर उसके उपरांत कनेक्शन फिर दोबारा जोड़ लिया गया बिना किसी आधिकारिक रूप से मान्यता के खिलाफ। उसके अगेंस्ट में मैंने फिर दोबारा, कौन है ये महानुभाव, कौन है सर? ये आईपी कॉलोनी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में 160 नंबर है, सेकंड फ्लोर फ्रंट साइड के मालिक है, जिनके द्वारा ये काम बार बार किया जा रहा है, निरंतर कानून की उल्लंघन किया जा रहा है। फिर हम उसके बावजूद भी अधिकारी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहे हैं, उसका रीजन मैं नहीं जानता, वो अधिकारी बता पाएंगे अगर आप उनसे पूछे। मैंने पहली कंप्लेंट तो मई 2023 में करी थी, मई 2023 जी, उसके उपरांत एक साल पहले। और उसके ऊपर सीएम विंडो के ऊपर में ये अक्टूबर में कनेक्शन काट दिए गए थे सीवर और पानी के, तो दोनों कंप्लेंट सीएम विंडो पे की गई थी। पहली कंप्लेंट तो अधिकारियों के पास की थी, उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, तब जाके सीएम विंडो पे गया, सीएम विंडो के ऊपर कनेक्शन काट दिया। कनेक्शन कटने के बाद पुनः उस व्यक्ति द्वारा, सीवर का कनेक्शन तो कटा ही नहीं था नगर निगम ने, अधिकारियों ने झूठी फाइल में लिख दिया कि कनेक्शन काट दिया। अच्छा। और पानी का कनेक्शन बिना पास कराए 2/11/2023 को जोड़ लिया। अच्छा। उसकी दोबारा फिर दोबारा एक चोरी, फिर सुबह सीना चोरी। अच्छा। क्योंकि अधिकारियों कहीं ना कहीं मिली भगत और शह है उन्हें। मैंने जी आप लगभग 5 महीने पहले निगम कमिश्नर से भी मिले थे? बिल्कुल मिला था, इसी मामले को लेकर मिले, बिल्कुल आपको आश्वासन दिया। मैं बताऊं आपको, इस मामले में 11/1/2024 को भी मैं दोबारा मिला था कमिश्नर मैडम से, उन्होंने उक्त अधिकारी को जांच के आदेश भी दिए थे और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, परंतु आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई आधिकारिक रूप पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको मैं उसका सबूत दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं 3/11/2023 को मैंने कंप्लेंट करी थी, हमारे एससी साहब हैं नगर निगम के एक्सियन ओल्ड डिवीजन 5 के अधिकारी को जिनके संबंध में मामला आता है, और कमिश्नर मैडम को, ठीक है जी। इसके ऊपर ये एससी साहब का नंबर है, 6/11/2023 को दी थी ये, इसके ऊपर में कार्रवाई भी नहीं हुई। इसके बाद में मैंने पुनः 13 मार्च को एक दोबारा कंप्लेंट दी, पहला रिमाइंडर जी जी परसों कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। तत्पश्चात उस कंप्लेंट के बाद आप देख सकते हैं, मैं धन्यवाद करूंगा नगर निगम कमिश्नरेट का, अगर फरीदाबाद के अंदर कोई काम ना हो रहा हो नगर निगम के कई और जोन्स के अंदर, तो उन्हें नगर निगम मुख्यालय ही आ जाना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि उन वार्डों में या कोई अधिकारी कोई सुनेगा। ये आप देख सकते हैं, माननीय एससी साहब द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं उक्त अधिकारी डिवीजन 5 के, एक्सियन डिवीजन 5 को, नगर निगम ओल्ड जोन को, उक्त व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराकर इस कार्य को 5 दिन में ATR सबमिट कराई जाए।
आज ये लंबी लड़ाई लड़ी है तब जाके ये कागज जो है वो बाहर निकल के आया है। पहली बार किसी नगर निगम के एक अधिकारी ने उक्त व्यक्ति पर संज्ञान लेने की हिम्मत की है, मैं कहूँगा। और बहुत किस ऑफिसर ने आदेश पद किए? सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो हैं ओमबीर जी, उनके ऑफिस से ये निकला है। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अपराध को रोकथाम करने में उनका बड़ा एक वो रहता है। फिलहाल उनके पास भी संज्ञान में दोबारा ये बात पहुंची और उन्होंने तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेके कार्रवाई की। आपको बता दूं, उस व्यक्ति के खिलाफ पता नहीं ओल्ड जोन के अधिकारी कार्रवाई करने में क्यों हिचकिचा रहे हैं, उसका सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। केतन जी, यहाँ पर एक मामला और बनता है जी। जो अधिकारी इसमें दोषी है जी, जी लगभग 9 महीने का समय हो गया बिल्कुल, तो लेकिन उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उस बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, मैं आपको उसके लिए भी सूचित कर दूं, उन अधिकारियों के लिए भी कहीं वो चैन की सांस ना लें, उन अधिकारियों के लिए भी अभी एक चीज आनी बाकी है। ये कंप्लेंट मेरे एंटी करप्शन ब्यूरो में ये दर्ज कराई हुई है, आप देख सकते हैं 3/11/2023 को ही मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो में ये कंप्लेंट दी थी, जिसके अंदर उक्त अधिकारियों के नाम भी है। अच्छा। और उनका जो कृत्य किया गया वो भी इसमें मेंशन्ड है। अच्छा। और फिलहाल इसकी जांच जो है वो अभी चल रही है, 75 सेक्टर में जो विजिलेंस का ऑफिस है वहाँ पे चल रही है, वहाँ मेरे बयान दर्ज हो चुके हैं, उक्त अधिकारियों को बुलाकर भी उनके बयान दर्ज हो चुके हैं, जो अधिकारियों की जो कार्रवाई है वो अभी विचाराधीन है। और आप थोड़ा ध्यान रखिए, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत जरूर निकल के सामने आएगी। कर्मचारी की जो लापरवाही है, 5 महीने के अंदर जो कार्रवाई नहीं हुई, लगभग एक साल लगा लीजिए, एक साल के तो मई में हुई थी बिल्कुल, ठीक है। तो अब जो कार्रवाई आप बता रहे हैं कि दो विभागों में आपने कंप्लेंट डाली है, विभागों की, एक एंटी करप्शन में बिल्कुल और एक नगर बिल्कुल, दोनों ही बेसिकली एक ही है, उसमें कार्रवाई एक ही करके निकालेंगे वो, क्योंकि अच्छा। क्या तत्पश्चात निकलता है। और फिलहाल केतन जी, इतने टाइम से आप इस कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं, क्या वो लगता है आपकी और कार्रवाई होगी? बिल्कुल, फिलहाल आप देखें FIR के आदेश निकल गए हैं, FIR दर्ज होते ही सामने आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। साथ ही साथ अब उन अधिकारियों की लापरवाही का कारण क्या है वो आप बेहतर रहेगा कि आप अधिकारियों से पूछे कि आखिर क्या कारण है। मैं आपको उसका कारण आपको जी, यहाँ पर एक मामला और बनता है, लगभग 13 साल से निगम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आपने तो बहुत को लगता है कि ये 13 साल की पूर्ति होगी। आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, उस व्यक्ति को जो पानी का नया कनेक्शन दिया गया बिना कुछ वसूले दिया गया, कोई उससे एरर नहीं, कोई उससे फाइन नहीं, कोई उससे कोई मतलब आप सोचे कोई राशि नहीं ली गई, फिलहाल सिर्फ कनेक्शन फीस के अलावा। अभी तक फाइल बन गई उसकी सर, कनेक्शन पास करा लिया उसने, आप ये सोचे कनेक्शन पास हो, यानी कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर एक व्यक्ति को आनन फानन में उक्त अधिकारी ने 1/3/2024 को उक्त व्यक्ति के लिए इन धाराओं के अंतर्गत शो कॉज नोटिस लगाया। अच्छा, शो कॉज नोटिस दिया, 7 दिन का समय दिया कि आप 7 दिन में हमें जवाब दें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 1 मार्च का है, आज हम खड़े हैं सर 15 मार्च पर, आप उन अधिकारियों से जाके पूछें 14 दिन में उस व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई करी आपने। ये सिर्फ और सिर्फ शोकॉज और ये नोटिस भेजने का मतलब जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति करने का है। FIR के आदेश हो गए जी साहब जी, FIR लॉन्च होगी सर अगर देखिए, मेरे को सर कानून पे पूरा विश्वास है। हाँ। देर हो सकती है पर नहीं होगी, इसके ऊपर मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि FIR जरूर दर्ज होगी। जब अधिकारी ने एक बार निकाल दिया तो आगे वाला अधिकारी इसको टालेगा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ के लिए, क्योंकि गलत तो गलत है। अगर आप गलत को गलत नहीं देख पा रहे, या तो कहीं ना कहीं आपका निजी स्वार्थ है उसके अंदर, या आप लापरवाही कर रहे हैं, या आप अधिकारियों से जान सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ केतन सूरी, जिन्होंने तकरीबन 1 साल पहले एक नगर निगम में एक मामला उठाया था कि एक व्यक्ति द्वारा अवैध कनेक्शन चलाया जा रहा है। CM विंडो में कंप्लेंट की गई, नगर निगम में कंप्लेंट की गई, और अब जाकर लगभग 1 साल के बाद जाकर उस व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति अवैध कनेक्शन यूज़ कर रहा था, उस व्यक्ति द्वारा जो है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा, बड़े अधिकारियों द्वारा, SC ओमवीर जी द्वारा नीचे के अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि उस व्यक्ति पर, जो व्यक्ति अवैध कनेक्शन यूज़ कर रहा था, उस पर FIR दर्ज की जाए। तो ये बड़ी खबर है, बाकी अब देखना होगा कि FIR होती है या नहीं होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्ज्वल हांडा, और सीधी खबरें आप फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय के बाहर से देख रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें, किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।